गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 1 स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन। चिल्ड्रन, यू ऑल नो दैट अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। इट वी नीड टू एंटर सर्टेन सेट ऑफ कैरेक्टर्स एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर टू मेक इट वर्क। This set of characters like alphabets, digits or special characters that represent facts or figures is known as data. When this data is processed by the processing unit, for example in CPU, it is known as information. Therefore, we can say data is a collection of raw facts and figures and processed data is known as information. Children, you should remember that unprocessed data is meaningless. But when data is organized and converted into meaningful information, it becomes useful. Now, unprocessed data is meaningless. How? For example, आपका result है, आपका result बनाया गया हुआ है, ठीक है? लेकिन उसमें proper तरीके से arrangement नहीं की गई हुई है, ना ही उसका total सही से निकाला गया है, ना ही percentage उसका सही से निकला गया है, तो वो डेटा भले ही है लेकिन वो मीनिंगलेस डेटा हुआ। उसका हमें प्रॉपर टोटल भी करना पड़ेगा और परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा, सो इट विल बिकम वेरी यूजफुल। एग्जाम्पल फ्रॉम अवर डे टू डे लाइफ। योर फादर बॉट अ क्लोथ पीस फ्रॉम द मार्केट एंड गेव इट टू द टेलर टू द स्टिच अ शर्ट पैंट आउट ऑफ इट। इन दिस एग्जाम्पल क्लोथ कैन बी कंसिडर्ड एज डेटा and shirt pant can be considered as information. The cloth in its raw form is not useful until gets converted into some dress. जब तक वो raw form होता है cloth का, वो कोई dress नहीं बन जाता, dress में convert नहीं हो जाता, तब तक तो वो हमारे use में ही नहीं आएगा, उसको हमें process में देना पड़ेगा stitching करने के लिए। Examples in the context of computers. हम कंप्यूटर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं इस एग्जांपल को। योर टीचर वांट्स टू फाइंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर्स ऑफ योर क्लास। फॉर दिस सी इनपुट्स मार्क्स स्कोर्ड बाय ईच स्टूडेंट इन ऑल द सब्जेक्ट्स इन द कंप्यूटर एंड गिव्स द रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस टू इट। इन रिटर्न द कंप्यूटर डिस्प्लेज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर्स ऑफ द क्लास। हियर मार्क्स दैट वर फेड into the computer represent data and the result written by the computer. For example, the highest and the lowest rankers represent information. हमें क्या चाहिए? जिसका highest rank है उसका data चाहिए और जिसका lowest rank है उनका data चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको हम as a input के तौर पर हम सारे बच्चों के data ले लेंगे, फिर हम लेस देन ग्रेटर देन ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं इनकी मदद से कौन हाईएस्ट है और कौन लोएस्ट है ये फाइंड करेंगे। व्हाइल बुकिंग द रेलवे टिकट यू प्रोवाइड द डिटेल्स लाइक सोर्स स्टेशन डेस्टिनेशन डेट ऑफ जर्नी एंड द नंबर ऑफ पर्सन्स ट्रैवलिंग टू द कंप्यूटर। दिस डेटा इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर एंड यू गेट द रेलवे टिकट। In this case, the details like source station, destination, date of journey and number of persons traveling represent data and the tickets which you get represent information. Data storage units. Whatever we feed into the computer gets converted into a machine understandable code. अब ये machine understandable code क्या होता है? For example, मुझे हिंदी आती है लेकिन मुझे जिसके साथ कम्युनिकेट करना है उसको हिंदी नहीं आती, उसको तमिल आती है, तो हम दोनों के बीच में कोई एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो हम दोनों को समझ में आती हो, कॉमन हो, लाइक इंग्लिश और गुजराती और एनी अदर लैंग्वेज। सेम एज हम जो कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी डेटा डालते हैं वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है और फिर कंप्यूटर उसे प्रोसेसिंग में डालता है। Whatever we feed into the computer gets converted into a machine understandable code called a machine code. A computer can understand only two states, on and off, 0 and 1. The two digits 0 and 1 are called binary digits or bits. The data is stored in the computer memory in the form of bits and is measured in bytes. Can you see this table?
8 bytes is equal to 1 byte, 124 bytes is equal to 1 kilobyte and so on. You have to go through this table. Types of memory. Every computer has a certain amount of memory. The memory capacity determines how much data and instructions can be stored in a computer, either temporarily or permanently. The memory of a computer is of two types, internal memory and external memory. Internal memory is the primary memory and external memory is the secondary memory. In internal memory, there are two types, RAM and ROM, random access memory, read-only memory. External memory have four parts, hard disk, CD-DVD, Blu-ray disk, flash pen drive and memory card. Internal memory. अब internal memory क्या होती है? Let us learn. Internal memory is also called primary memory or main memory. It is the built-in memory designed to store data and instructions while the computer is working. It is always easier to access data or programs from the internal memory as it is the fastest of all forms of computer data storage. Primary memory is of two types. Which memory is fastest? Main memory. Our primary memory is fastest. RAM, random access memory. It stores the information temporarily and works like a blackboard that can be constantly overwritten with new data. The information stored in the memory is lost when you turn off the computer or when the power goes off. Random access memory जो होती है वो temporarily होती है memory. For example, blackboard पे आप कुछ लिखते हो फिर उसको मिटा के आप दूसरा भी लिख सकते हो क्योंकि वो temporary होता है. वैसे ही random access memory भी temporary ही work करती है. जैसे कि आपका power off हो गया उसके बाद आपने फिर से computer को on किया तो वो सारा memory आपका सारा data चला जाएगा. Our random access memory just like a calculator, where information exists till the calculator is on. The moment you turn off the calculator, all the data disappears. ROM, read-only memory. It holds the startup instructions that prepare a computer for use. The instructions stored in ROM can only be read and cannot be changed. आप read-only memory जो होती है वो सिर्फ रीड करने के लिए ही होती है, राइट करने के लिए नहीं होती, ना कि उसको हम चेंज कर सकते हैं. इट रिटेन्स द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इवन व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ. रोम स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कंपेयर्ड टू रैम. रोम इज लाइक एन ऑडियो डिस्क दैट कैन बी प्लेड बट वी कैन नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग ऑन इट एक्सेप्ट इन अ फ्यू सिलेक्टेड सर्कमस्टेंसेस. एक्सटर्नल मेमोरी. पहले जो हमने पढ़ा वो था इंटरनल मेमोरी, अब ये है एक्सटर्नल मेमोरी. इट इज़ अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड. डेटा इज नॉट लॉस्ट इन द एक्सटर्नल मेमोरी इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्नेड ऑफ. द एक्सटर्नल मेमोरी इज एसेंशियल बिकॉज द इंटरनल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर हैज़ अ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी. एक्सटर्नल मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी. जैसे कि हमने पहले पढ़ा इंटरनल मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? Primary memory और external memory को secondary memory. When we run a program, it is copied from the secondary storage into the internal memory. It takes more time to access data from the secondary memory as compared to the internal memory. Storage devices. In our daily life, we use many storage devices such as cupboard, bookshelf, refrigerator, स्कूल बैग एक्सेट्रा. इन सब में हम क्या करते हैं? रेफ्रिजरेटर में हम वेजिटेबल्स और फ्रूट रखते हैं, स्कूल बैग में हम नोटबुक्स, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, ये सारी चीज़ें रखते हैं. बुक शेल्फ में हम अपनी बुक्स रखते हैं. तो ये जो एग्जांपल्स है वो कोई ना कोई चीज़ अपने अंदर रखता है, स्टोर करता है, इसीलिए वो स्टोरेज डिवाइसेस है. टू स्टोर वेरियस रिलेवेंट आइटम्स इन दैम. अ कंप्यूटर ऑल्सो यूजेज वेरियस स्टोरेज डिवाइसेज टू स्टोर डेटा इन दैम विच वेरी इन अ स्टोरेज कैपेसिटी. एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सी डी एक्सेट्रा. दिस आर परमानेंट और नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेज. हार्ड डिस्क. इट इज़ द मेन स्टोरेज मीडियम फॉर कंप्यूटर्स.
इट इज मेड अप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ डिस्क नोन एज प्लेटर्स. इट इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स. जब आप सीपीयू बॉक्स ओपन करोगे तो तभी आपको ये हार्ड डिस्क दिखेगी. इट कैन होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. हार्ड डिस्क कैन स्टोर अप टू 8 TB ऑफ डेटा. नाउअडेज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आर ऑल्सो अवेलेबल विच आर स्मॉल इन साइज एंड कैन बी कैरीड एनीवेयर. सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर करने वाला स्टोरेज डिवाइस अगर कोई है तो वो है हार्ड डिस्क 8 TB. सीडी. सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क. इट इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस. अ सीडी इज़ अ थीन शाइनी सर्क्यूलर डिस्क दैट कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डेटा एंड मेजर्स 4.7 inches इन डायामीटर. सीडी का डायामीटर आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, 4.7 inches. अ सीडी कैन होल्ड टेक्स्ट ग्राफिक्स साउंड इमेजेस एंड वीडियोस. इट कैन बी यूज फॉर डेटा बैकअप एंड होल्डिंग सॉफ्टवेयर. डीवीडी. द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क. इट इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस यूज फॉर डेटा स्टोरेज एंड फॉर रिकॉर्डिंग मूवीज विद हायर वीडियो एंड साउंड क्वालिटी देन अ सीडी. सीडी से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है डीवीडी. साउंड क्वालिटी भी अच्छी होती है और हम उसमें अपनी मूवी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं. द स्टोरेज कैपेसिटी वेरियस फ्रॉम 4.7 GB टू 17 GB. इसका भी स्टोरेज कैपेसिटी आपको याद रखना पड़ेगा, 4.7 GB टू 17 GB. ब्लू रे डिस्क. इट इज़ अ न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट दैट कैन स्टोर अप टू 128 GB ऑफ डेटा. दिस डिस्क इज मेनली यूज फॉर स्टोरिंग हाई क्वालिटी साउंड गेम्स मूवीज डेटा. द नेम ब्लू रे डिस्क इज डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लू वायोलेट लेजर दैट इज यूज टू रीड एंड राइट डेटा ऑन 8. नेक्स्ट इज फ्लैश ड्राइव. इसका यूज़ तो आप लोगों ने भी किया होगा और बहुत ज़्यादा होता है इसका यूज़. इससे हम पेन ड्राइव भी कहते हैं. इट इज़ पॉपुलरली नोन एज पेन ड्राइव एंड द मोस्ट पॉपुलर डेटा बैकअप सर्विस डिवाइस. इट इज़ अ प्लग एंड प्ले डिवाइस एंड कैन बी कनेक्टेड टू द USB. USB's फुल फॉर्म इज यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट. इट इज़ अ स्मॉल लाइट वेट एंड रिमूवेबल ड्राइव. It is used for copying and moving data from one computer to another computer. A flash drive can store up to 2 TB of data. It provides a permanent medium to store data and files from the attached device. Memory card. A memory card is a storage medium for portable devices like mobiles, digital cameras and music players. It can be easily removed from this. Device and attached to computer to access the card, this device is transfer images and music files into a computer by using a memory card reader that can be connected to a computer through a USB cable. जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, पेन ड्राइव है, ठीक है, उसको हम किससे कनेक्ट करे हैं, USB केबल से. Nowadays, most of the laptops come with inbuilt card reader port. A multimedia card in a digital camera or mobile. A memory multimedia card is small in size, approximately the size of a postage stamp. Multimedia cards are available in various storage capacities ranging up to 512 GB. Computer ports. Computer के कितने ports होते हैं CPU में, हम वो देखते हैं. A computer port is a connection point or interface between a computer and an external or internal device. Internal port may connect devices like hard drive and CD-ROM or DVD drive. Various external ports connect external devices like modem, printer, mouse and another devices. For example, अगर आपको pen drive insert करनी है CPU में तो उसका port होगा USB port. USB port पे आप pen drive insert कर सकते हो. दिख रहा है आपको इमेज में, थैंक यू चिल्ड्रन.